मैं जड़ावाला में रहती हूँ। हमारे घर को जला दिया, सारा सामान तोड़ फोड़ कर दिया, लेकिन फिर भी हमें यीशु की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता। चाहे हमें भी जला दे, फिर भी हमारे दिलों में यीशु की ही आवाज़ आएगी कि हम यीशु के हैं, और हम खुश नसीब हैं कि हमें यीशु के नाम पे सताया गया। हमें बताया गया कि इस चर्च को आग लगा के वो चले गए हैं। आग थोड़ी देर के बाद खुद ही बुझ गई है। उनको दोबारा तलाक दी गई कि इस चर्च को आग लगाई है, आग नहीं लगी। वो दोबारा आए हैं चर्च में, उन्होंने केमिकल का इस्तेमाल किया, दोबारा आग लगा के गए हैं, उनको तलाक दी गई है। इधर जितने भी चर्चिस को आग लगाई गई है, केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ हमें इंसाफ चाहिए। टीचर बेवा हूँ, 10 साल से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है। मेरे छोटे छोटे बच्चों ने और भाई ने मिलकर ये घर बनाया, इस घर को इन्होंने बेघर कर दिया, या बाग को उजाड़ दिया, इसको इस घर को इन्होंने दोजख बना दिए, सारी बाइबल जला दी गई है, जबूर जला दिए गए। हम लोग कमादों में खेतों में घूमते रहे, मेरा बेटा 3 बार बेहोश हुआ कमादों में।